तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से मुख्तलिफ आरडीओ के पास धरना दिया गया और मुतालबा किया गया कि सहाफ़ियों के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है उसे पूरा किया जाए, जिसमें हेल्थ कार्ड और एक्रेडिशन कार्ड के अलावा छोटे अखबार के मसाइल को उठाया गया। यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से पूरे रियासत तेलंगाना में जो आरटीओ जो ऑफिस हैं वहां पर धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं और नुमाइंदगियाँ की जा रही हैं कि सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उसे हल किया जाए। आईजीयू की तरफ से ये हमारे को ये मिला है कि इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जहां जहां सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। और जहां तक तेलंगाना हुकूमत का सवाल है, आप देख रहे हैं कि पिछले जो टर्म दी चीफ मिनिस्टर की उसमें भी और इस मरतबा भी सहाफ़ियों के लिए कुछ काम नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर एक्रेडिटेशन का जो सवाल था वो डेस्क जर्नलिस्टों का सवाल था कि अगर आप कोई भी सहाफ़ी रहेगा उसे एक्रेडिटेशन दिया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ा मसला जो सहाफ़ियों का है फिल वक्त वो है ज़िंदगी। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो कुछ कलम उठा सकेंगे, लेकिन अब हाल ये है कि जो सहाफ़ी बीमार होते हैं या सहाफ़ी के पेरेंट्स बीमार होते हैं वो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा नहीं सकते। अगर इलाज करवाने के लिए भी गए तो उनसे कहा जा रहा है कि हुकूमत रकम बाकी है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मसला है, जबकि आप देखेंगे कि 10 साल पहले जो एक्रेडिटेशन हो या नियो जो है वहाँ दफातर पर TUWG की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि सहाफ़ियों के मसाइल बिलखसूस हेल्थ कार्ड का जो मसला है और छोटे अखबार का जो मसला है उसको हल करें और सहाफ़ियों को एक बावक़ार ज़िंदगी गुजारने का मौका दें।